नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कैबिनेट की बैठक के लिए फिर से यहाँ पे एक पत्र जारी कर दिया गया है और 25/9/2023 सोमवार को अपराह्न 3:30 बजे से मंत्रिपरिषद की बैठक जो है सचिवालय में स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में बुलाई जाएगी। मंत्रिमंडल सचिवालय में ये बैठक जो है वो होने जा रही है, तो बड़ी अपडेट है। इसे लेकर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, सभी मंत्रीगण, बिहार राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार पटना विकास आयुक्त बिहार और प्रधान सचिव वित्त विभाग बिहार पटना, ये तमाम लोग जो हैं वो मौजूद रहेंगे। कौन कौन से लोग हैं वो भी आपको मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पे। मेन मुद्दा ये होगा कि भाई सूत्रों के हवाले से न्यूज 18 है या कोई भी न्यूज़ चैनल है, स्पष्ट रूप से खबर दिखा रहा है कि नियुक्त शिक्षकों को जो है वो राज्यकर्मी का दर्जा जो है वो दिया जाएगा। सोमवार को अपराह्न 3:30 बजे से जो है मंत्रिपरिषद की बैठक जो है वो बुलाई जाएगी। स्पष्ट रूप से आंकड़ा आपको दिखाई दे रहा है कि भाई नियुक्त शिक्षकों का आंकड़ा बहुत ज़्यादा है और लंबे समय से इन्हें इनकी मांगें पूरी जो है वो नहीं की गई हैं। तो स्पष्ट रूप से दे सकते हैं यहाँ पे अपडेट जो है वो आ रही है और ये पत्र भी जारी कर दिया गया है सचिवालय के द्वारा। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अध्यक्ष सदस्य राजस्व परिषद बिहार पटना, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव एवं सचिव बिहार पटना, सरकार के सभी विभागीय अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव बिहार पटना, और देख सकते हैं पुलिस उपाधीक्षक सचिवालय पटना, केयर टेकर सचिवालय आप देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं बैठक की शुरुआत होगी। राज्यकर्मी दर्जा पर बड़ा फैसला, ये मेन मुद्दा होगा क्योंकि सूत्रों के हवाले से यही खबर आ रही है। देख सकते हैं सरकार को कितना खर्च करना होगा नियुक्त शिक्षकों को राज्यकर्मी के दर्जा, दे सकते हैं स्पष्ट रूप से ये बात जो है वो सामने आ रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि नियुक्त शिक्षकों को राज्यकर्मी बनाने पर 4,000 करोड़ रुपए की राशि भी जो है वो खर्च होगी। तो अच्छी बात है भाई, आप राशि खर्च कीजिए, नियुक्त शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा भी दीजिए। लेकिन अपडेट आ रही है सूत्रों के मुताबिक सरकार ने फंड की व्यवस्था कर ली है। कक्षा 1 से 5 के शिक्षकों की अब इस तक ग्रास सैलरी 44,130 रुपये है, स्पष्ट रूप से बात जो है वो कह दी गई है। दूसरी देख सकते हैं, बिहार के नियुक्त शिक्षकों को मिलेगा राज्यकर्मी का दर्जा, अक्टूबर माह में ही सरकार करेगी घोषणा, दुर्गा पूजा से पहले राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा और राज्य के 4 लाख नियुक्त शिक्षकों का सपना होगा साकार, BPSC शिक्षक के स्केल के बराबर ही अब इन्हें भी मिलेगा वेतन, सूत्रों के हवाले से जो है वो खबर आ रही है। तो न्यूज 18 ने भी एक खबर प्रमुखता से दिखाई है और कहीं ना कहीं न्यूज 18 खबर का भी असर है। स्पष्ट रूप से बात देख सकते हैं सामने आ रही है कि बिहार के नियुक्त शिक्षकों को मिलेगा राज्यकर्मी का दर्जा, अक्टूबर माह में ही सरकार करेगी घोषणा, दुर्गा पूजा से पहले राज्यकर्मी का मिलेगा दर्जा, राज्य के 4 लाख नियुक्त शिक्षकों का सपना होगा साकार, BPSC शिक्षक के स्केल के बराबर ही इन्हें मिलेगा वेतन। तो दोस्तों बहुत अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं अगर राज्यकर्मी का दर्जा मिलता है तो इससे अच्छी बात और नहीं हो सकती है। दूसरी अपडेट आ रही है, प्राइमरी में नियुक्ति की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं बीएड अभ्यर्थी, बहाली में शामिल करने को लेकर रिट याचिका दायर है। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।